हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था खेलकूद से संबंधित, जो 2018-19 में घटनाएं घटी हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित सभी प्रावधान देख लिए थे। इसमें बात करते हैं हम इस लेक्चर में मध्य प्रदेश के पुरस्कार और सम्मानों के बारे में, जो 2018-19 में सम्मान मिले हुए हैं उन्हें भी देखते हैं। तो आपको बता दें कि इन सभी लेक्चरों की लेक्चर एक जगह आपको मिल जाएंगे, प्ले सूची में, प्ले लिस्ट में मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2019 के नाम से सूची बनी हुई है, उसी में सभी डले हुए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी द्वारा साक्षात्कार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इसके वर्तमान निर्देशक कौन है? डॉक्टर उमेश कुमार सिंह। साहित्य अकादमी के निर्देशक कौन है? डॉक्टर उमेश कुमार सिंह। कला एवं साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सम्मानों को बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कालिदास सम्मान। तो आपको याद रखना है कालिदास सम्मान 1980-81 में स्थापित किया गया। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान है। प्रत्येक वर्ष इस पुरस्कार के साथ 2 लाख रुपये, पूर्व में 1 लाख दिया जाता था लेकिन अब 2 लाख कर दिए की राशि प्रदान की जाती है। प्रथम कालिदास सम्मान पंडित सेमन गुड़ी, श्रीनिवास अय्यर एवं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर को प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है कालिदास सम्मान 1980-81 में स्थापित किया गया। ठीक है, इसके तहत 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। वो प्रथम कालिदास सम्मान पंडित सेमन गुड़ी, श्रीनिवास अय्यर एवं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर को प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं 2018 के, तो कलाकार के लिए दिया गया है अंजोली एलामेनन को कालिदास सम्मान। वो 2019 के लिए दिया गया है रंगकर्मी सुरेंद्र वर्मा। तो आपको याद रखना है 2018 का किसे दिया गया? अंजोली एलामेनन, और 2019 का सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, अब बात करते हैं तानसेन सम्मान। क्या तानसेन सम्मान? यह सम्मान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को प्रदान किया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र के साथ 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। 20-17 से 22 दिसंबर 2019 तक तानसेन समारोह का आयोजन ग्वालियर में किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2019-20 पंडित विद्याधर व्यास को प्रदान किया जाएगा। तो याद रखना 2019-20 का तानसेन सम्मान पंडित विद्याधर व्यास को प्रदान किया जाएगा। प्रथम तानसेन सम्मान की बात करें तो हीराबाई बड़ोदकर, बिस्मल्ला खान और पंडित कृष्ण राव को प्रदान किया गया था। 2018-19 की बात करें तो मंजू मेहता को मिला, और 2019-20 की तो पंडित विद्याधर व्यास को। ठीक, आगे बात करते हैं तुलसी सम्मान। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्थापित वर्ष 1983-84 में स्थापित यह सम्मान आदिवासियों को लोक कला एवं पारंपरिक कला क्षेत्र में श्रेष्ठ उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 3 वर्ष की अवधि में क्रमशः नाटक के लिए 2 बार, दृश्य कला के लिए 1 बार दिया जाता है। इसमें पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपये की नगद राशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। प्रथम तुलसी सम्मान की बात करें तो प्रथम तुलसी सम्मान हरितजीत केशव एवं गिरिराज प्रसाद को प्रदान किया गया था। वर्ष 2017 में यह सम्मान श्री कैलाश चंद्र शर्मा को चित्रकार के लिए दिया गया था। वर्ष 2018 में विक्रम यादव को प्रदान किया गया है। ठीक, फिर है देवी अहिल्याबाई सम्मान। ठीक, आगे है देवी अहिल्याबाई पुरस्कार की स्थापना 1997 में की गई, जो प्रतिवर्ष आदिवासी लोक कला और पारंपरिक कला में उत्कृष्टता के लिए केवल महिला कलाकारों को प्रदान किया जाता है। इसमें कलाकारों को 2 लाख रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है। प्रथम अहिल्याबाई पुरस्कार 1996-97 में तीजनबाई को प्रदान किया गया था,
और 2017 का यह पुरस्कार कृष्णा वर्मा वर्ष 2018 का शांति देवी झा को प्रदान किया गया है। फिर किशोर सम्मान, किशोर सम्मान प्रसिद्ध अभिनेता एवं पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार की स्मृति में वर्ष 1997 में किशोर सम्मान की स्थापना की गई। यह सम्मान प्रतिवर्ष फिल्म निर्देशन, अभिनय, संवाद लेखन, गीत लेखन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जिसमें सम्मान में 2 लाख रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है। प्रथम पुरस्कार 1997-98 में ऋषिकेश मुखर्जी को और 2017-18 में वहीदा रहमान को, 2018-19 में पी ए दर्शन को फिल्म निर्देशन को यह पुरस्कार दिया गया। फिर है कबीर सम्मान, तो कबीर सम्मान की स्थापना 1986-87 में मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा कबीर सम्मान की स्थापना की गई। भारतीय भाषाओं के प्रसिद्ध भारतीय भाषाओं के किसी भी कवि को यह सम्मान दिया जाता है। अब तक हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़ आदि के कवियों को यह सम्मान प्रदान किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत 3 लाख रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है। प्रथम पुरस्कार 1986-87 में गोपाल कृष्ण अडिग को प्रदान किया गया था। वर्ष 2017 में कवि नरेश सक्सेना को और 2018 में तेलुगु कवि गोर्टी वेकन्या को यह प्रदान किया गया है। ठीक, अगला है इकबाल सम्मान। इकबाल सम्मान, इकबाल सम्मान की स्थापना 1986-87 में की गई थी। यह उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता और सृजनात्मकता को सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है। प्रथम पुरस्कार, प्रथम इकबाल पुरस्कार 1987-88 में 86-87 में अली सरदार जाफरी को प्रदान किया गया था। वर्ष 2017 का शमसुर रहमान फारूकी को और 2018 में यह गजनफर अली को यह प्रदान किया गया। फिर है मैथिली शरण गुप्त सम्मान। इस पुरस्कार की स्थापना 1987-88 में की गई। यह संस्कृति विभाग द्वारा हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जिसमें 2 लाख रुपये नगद राशि प्रदान की जाती है। प्रथम पुरस्कार 1987-88 में शमशेर बहादुर को प्रदान किया गया था, मैथिली शरण गुप्त सम्मान। और 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को प्राप्त किया मिला था, 2017 में राजेश जोशी और 2018 में मंजूर एहतेशाम। फिर है अगला है लता मंगेशकर, कौन सा लता मंगेशकर सम्मान। तो यह पुरस्कार 1984 में स्थापित किया गया था, जो स्वर सामग्री लता मंगेशकर के नाम पर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। प्रथम पुरस्कार 1984-85 में संगीत नौशाद को दिया प्रदान किया गया था। वर्ष 2016-17 का उदित नारायण को और 2016-17 का अनु मलिक को, 15-16 का उदित नारायण को और 16-17 का अनु मलिक को दिया गया। फिर है कुमार गंधर्व पुरस्कार, कौन सा कुमार गंधर्व पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में युवाओं के बीच रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1992-93 में कुमार गंधर्व पुरस्कार की स्थापना की गई। शास्त्रीय मुखर और वाद्य संगीत के क्षेत्र में 25 से 45 वर्ष के बीच की उम्र के युवा कलाकारों को यह सम्मान प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 1.25 लाख रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम गंधर्व कुमार गंधर्व पुरस्कार 1992-93 में अजय चक्रवर्ती को दिया गया था और 2016-17 का शास्त्रीय गायक मंजूषा कुलकर्णी पाटिल को और 17-18 का सितार वादक नीलाद्री कुमार को दिया गया। ठीक है, फिर राष्ट्रीय जोशी सम्मान। यह पुरस्कार 1952-53 में 92-93 से ललित निबंध, डायरी, पत्र लेखन, व्यंग लेखन हेतु उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
यह पुरस्कार 1992-93 में पहली बार हरिशंकर परसाई को दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य पुरस्कारों के बारे में। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा समाज सेवा, कला, साहित्य, सिनेमा, संस्कृति की विविध विधाओं के क्षेत्र में स्थापित सम्मान, राष्ट्रीय सम्मानों के बारे में। तो गांधी, महात्मा गांधी सम्मान, गांधी विचार दर्शन के लिए संस्था हेतु दिया जाता है, 10 लाख रुपये इसके तहत। कबीर सम्मान, भारतीय भाषाओं की कविताओं के लिए 3 लाख रुपये। कालिदास सम्मान, शासकीय संगीत, शासकीय नृत्य, रंगकर्म, रूपांकर कलाओं के लिए 2-2 लाख रुपये। मैथिली शरण गुप्त सम्मान, हिंदी साहित्य के लिए 2 लाख रुपये दिया जाता है। किशोर कुमार सम्मान, फिल्म अभिनय के लिए दिया जाता है, 2 लाख रुपये। तानसेन सम्मान, हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है, 2 लाख। लता मंगेशकर सम्मान, फिल्म संगीत निर्देशन के लिए, इसके तहत 2 लाख रुपये दिया जाता है। इकबाल सम्मान, उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है, इसके तहत 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, फिर है इकबाल के बाद देवी अहिल्याबाई सम्मान, अहिल्या सम्मान, महिला लोक एवं आदिवासी पारंपरिक कलाओं के लिए दिया जाता है, 2 लाख रुपये। तुलसी सम्मान, पुरुष लोक एवं आदिवासी पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में प्रदर्शनकारी कलाओं के लिए दिया जाता है, 2 लाख रुपये। शरद जोशी सम्मान, हिंदी व्यंग, ललित निबंध संस्करण, संस्मरण, निपोर्ताज, डायरी, पत्र लेखन आदि के लिए दिया जाता है, 2 लाख रुपये। नानाजी देशमुख सम्मान, सामाजिक सांस्कृतिक समरसता उत्थान पुरस्कार, अध्यात्म परंपरा, समाज विकास, संस्कृति की मूल अवधारणा के प्रति कार्य करने वाले व्यक्ति तथा संस्था के लिए 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। कवि प्रदीप सम्मान, मंचीय कविता के क्षेत्र में 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। कुमार गंधर्व सम्मान, शासकीय नृत्य के लिए, आयु समूह 24 से 45, 1.25 लाख दिए जाते हैं। राजा मानसिंह तोमर सम्मान, संगीत संस्कृति एवं कला संरक्षण में कार्य करने वाली संस्था के लिए दिया जाता है, 1 लाख रुपये। आगे बात करते हैं हिंदी भाषा के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अमूल्य योगदान के लिए 5 हिंदी भाषा सम्मान दिए जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान, हिंदी सॉफ्टवेयर सर्च इंजन, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला के लिए दिया जाता है, 1 लाख रुपये। प्रोग्रामिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल ऑडिट, ऑडियो विजुअल एडिटिंग आदि में उत्कृष्ट योगदान के लिए। निर्मल वर्मा सम्मान, भारतीय आप्रवासी होकर विदेश में हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान के लिए, 1 लाख रुपये। गुड़ाकर मूल्य सम्मान, हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन एवं पाठ पुस्तक के लिए, 1 लाख रुपये। हिंदी सेवा सम्मान में दिया जाता है हिंदी भाषा लेखकों और साहित्यकारों को लेखन सृजन से हिंदी की समृद्धि के लिए, 1 लाख रुपये। राज शासन सम्मान, शिखर सम्मान, 9 विधा में हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य, रूपंकर कलाएं, नृत्य, नाटक, संगीत, आदिवासी एवं लोक कलाएं, दुर्लभ वादन के लिए प्रत्येक में 1 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यह 16 का मिला था राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान प्रेम जन्मेजय को, और 17 का राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान मिला था व्यंगकार यशवंत व्यास को, और 2018 में मिला था पत्रकार रवीश कुमार को। ठीक है, ये है राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान। बात करते हैं हम लोग कवि प्रदीप सम्मान, मध्य प्रदेश संस्कृति एवं कला विभाग द्वारा कवि प्रदीप की स्मृति में गीत एवं कविता के लेखन क्षेत्र में वर्ष 2013 में यह सम्मान स्थापित किया गया। इस सम्मान के तहत 2 लाख रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है। बात करें 2017 का, तो 2017 का कवि प्रदीप सम्मान मिला डॉक्टर हरि ओम पवार को, और 2018 का कवि प्रदीप सम्मान मिला कवि अशोक चक्रधर को। साहित्य परिषद के पुरस्कारों की बात करते हैं, तो इस पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। अखिल भारतीय स्तर तथा प्रादेशिक स्तर पर साहित्यकारों का सम्मान और उनकी सृष्टि श्रेष्ठ कृतियों को पुरस्कृत करता है।
मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के पुरस्कार देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार ए निबंध विधा के लिए दिया जाता है, 25,000 रुपये राशि दी जाती है। वीर सिंह देव पुरस्कार उपन्यास के लिए 25,000 रुपया दी जाती है, 25,000 इसमें भी उपन्यास के लिए। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार कविता के क्षेत्र में दिया जाता है, 25,000 रुपये। मुक्तिबोध पुरस्कार कहानी के लिए 25,000। रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार आलोचना के क्षेत्र में दिया जाता है, 2,000, 25,000 रुपये। सुमित्रा कुमारी चौहान कहानी 21,000। श्री कृष्ण शरण पुरस्कार कविता 21,000। बाल कृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार उपन्यास के क्षेत्र में 21,000। नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार आलोचना के क्षेत्र में 21,000। हरि कृष्ण प्रेमी पुरस्कार नाटक एवं एकांकी के लिए 21,000। ताब्बे पुरस्कार मराठी साहित्य 21,000। जहूर वक्स पुरस्कार बाल साहित्य में 21,000। ईसूरी पुरस्कार लोक भाषा में कृति के लिए 21,000। दुष्यंत कुमार पुरस्कार विदेश के लेखक एवं लेखिका को 21,000 रुपये। ठीक, आगे बात करते हैं। अब शिखर सम्मान, यह सम्मान मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 1980 से प्रदान किया जा रहा है। प्रारंभ में यह पुरस्कार 3 विधाओं में प्रदान किया जाता था, जो वर्ष 2012 से 7 विधाओं में प्रदान किया जाता है। मराठी साहित्य अकादमी के पुरस्कार, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा मराठी कृतियों के लिए भास्कर रामचंद्र तांबे के नाम से पुरस्कार स्थापित हैं। 2014 का मिला था कविता के लिए, गृहस्था कृति के लिए, गृहस्थचया चया श्रीनिवास हवलदार को। ठीक है, 2015 में कविता माझा चिकित्सा प्रवास के लिए मिलेगा। फिर उर्दू, उर्दू अकादमी के पुरस्कारों की बात करें तो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के अंतर्गत 2 अखिल भारतीय स्तर के और 7 प्रादेशिक स्तर के सम्मान प्रदान किए जाते हैं। उर्दू अकादमी द्वारा दिए जाने वाले अखिल भारतीय सम्मान मीर तकी मीर सम्मान तथा हकीम कमरूल हसन प्रदान किए जाते हैं। उर्दू अकादमी द्वारा दिए जाने वाले प्रादेशिक स्तर के सम्मान मोहम्मद यूसुफ केसर सम्मान, सुहा मुजाहिदी सम्मान, सिराज मीर खान शहर सम्मान, नवाक सिद्दीकी सिद्दीक हसन खान सम्मान, कैफ भोपाली सम्मान, शंभुदयाल सुखन सम्मान, जोहर कुरैशी सम्मान बेंगेतु। ठीक है, अब बात करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। डॉक्टर कैलाश काटजू पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1982 में इसकी स्थापना की गई, ये राज्य स्तरीय पुरस्कार है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है। फिर डॉक्टर लज्जा शंकर झा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1982 में स्थापित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाने वाला राज्य स्तरीय पुरस्कार है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 रुपये की नगद धनराशि प्रदान की जाती है। फिर डॉक्टर हरि सिंह गौर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला राज्य स्तरीय पुरस्कार, जिसकी स्थापना 1982 में की गई। इस पुरस्कार के अंदर 50,000 की नगद राशि प्रदान की जाती है। फिर डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5 सितंबर 2005 को स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय सम्मान प्राचीन सभ्यता एवं पुरातात्विक संस्कृति के संरक्षण के लिए क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। स्वर्गीय मणिक चंद वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार, श्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाले इस पुरस्कार की स्थापना 2006 में स्वर्गीय मणिक चंद वाजपेयी की स्मृति में की गई। इस पुरस्कार के अंतर्गत 2,00,000 रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है।
स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार। अग्रणी पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना 2007 में की गई। इस पुरस्कार के अंतर्गत 2,00,000 रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है। स्वर्गीय विद्या निवास मिश्र स्मृति विकास पत्रकारिता सम्मान। विदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007 में घोषित इस सम्मान के अंतर्गत 2,00,000 रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है। अगला स्वर्गीय सत्यनारायण श्रीवास्तव राज्य स्तरीय पत्रकारिता सम्मान। तो इसे 2008 में घोषित किया गया। इस राज्य स्तरीय सम्मान के अंतर्गत 1,00,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। फिर है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार। यह पुरस्कार किसी कारगर संपादक को उसके श्रेष्ठ संपादन हेतु प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत 5,000 रुपये की नगद राशि तथा 1 प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है। फिर है राजेंद्र माथुर फेलोशिप। शासन ने प्रसिद्ध संपादक राजेंद्र माथुर की स्मृति में 1,00,000 रुपये की फेलोशिप स्थापित की है। फिर है तरुण कुमार भादुड़ी पुरस्कार। प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक स्वर्गीय तरुण कुमार भादुड़ी की स्मृति में मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रति वर्ष 35 वर्ष की आयु तक के 2 युवा पत्रकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फिर है जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी पुरस्कार। राज्य के युवा पत्रकारों को श्रेष्ठ आलेखन हेतु 5,000 रुपये यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला है रामेश्वर गुरु पुरस्कार। राज्य की किसी पत्रिका के स्तरीय प्रकाशन या संपादन हेतु 5,000 रुपये का यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली फेलोशिप अब देखते हैं। संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित 5 शिक्षावृत्तियों में 1 वर्ष के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह। पर्यावरण नियोजन एवं संगठन द्वारा प्रतिवर्ष युवा वैज्ञानिकों को इंदिरा गांधी फेलोशिप दी जाती है, जिसमें 2 वर्ष के लिए 4,500 रुपये प्रतिमाह और 30,000 रुपये आकस्मिक मानदेय प्रदान किया जाता है। बात करते हैं आगे मध्य प्रदेश के द्वारा दी जाने वाली प्रमुख फेलोशिप को देख लेते हैं। राजेंद्र माथुर स्मृति शिक्षावृत्ति ये पत्रकार के अच्छे पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है। मुक्तिबोध शिक्षावृत्ति ये साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। अमृता सिरगिल शिक्षावृत्ति ये चित्र और मूर्तिकला के क्षेत्र में दी जाती है। उस्ताद अलाउद्दीन खास संगीत शिक्षावृत्ति ये संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। और चक्रधर शिक्षावृत्ति शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दी जाती है। इंदिरा गांधी फेलोशिप पर्यावरण शोध हेतु दी जाती है। फिर है समाज सेवा के क्षेत्र में दिए गए सम्मान दिए जाते हैं। महात्मा गांधी पुरस्कार। गांधी दर्शन के आधार पर सामाजिक उद्यान के क्षेत्र में कारगर संगठनों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1995-96 में की गई थी। इसके अंतर्गत 10,00,000 रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार 1995-96 में कस्तूरबा ट्रस्ट इंदौर को प्रदान किया गया था। वर्ष 2018-19 का यह पुरस्कार लोकायत संस्था पुणे को प्रदान किया गया है। तो याद रखना, पहला कस्तूरबा ट्रस्ट इंदौर को, तो 18-19 का लोकायत संस्था पुणे को प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग विष्णु कुमार समाज सेवा। विष्णु कुमार समाज सेवा सम्मान। मध्य प्रदेश सरकार ने समाज सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान, संवेदनशीलता, अनुकरणीय पहल के लिए प्रसिद्ध समाज सेवी एवं सेवा भारती के संस्थापक स्वर्गीय श्री विष्णु कुमार की स्मृति में सजोए रखने के लिए विष्णु कुमार समाज सेवा सम्मान स्थापित किया। वर्ष 2000 में अधोलिखित सम्मान प्रक्रियाधीन है। विष्णु कुमार अनुसूचित जाति समाज सेवा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए व्यक्ति या स्वयंसेवी संस्था को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा यह राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाता है। इस राज्य स्तरीय सम्मान के अंतर्गत 1,00,000 रुपये की धनराशि
एवं पिशस्ती पट्टिका प्रदान की जाती है। दूसरा है विष्णु कुमार जनजातीय समाज सेवा सम्मान। मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदाय के लोगों को निस्वार्थ सेवा के लिए व्यक्ति स्वयंसेवी संस्था को अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा यह राशि स्तरीय राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाता है। इस राज्य स्तरीय सम्मान के अंतर्गत 1,00,000 रुपये की नगद धनराशि और प्रशस्ति पत्रिका प्रदान की जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं अन्य पुरस्कारों के बारे में। तो लक्ष्मीबाई वीरांगना पुरस्कार, यह पुरस्कार महारानी लक्ष्मीबाई को पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्ष 2016-17 का रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार एमसी मैरी कॉम को बॉक्सर को मिला है और सुनीता नारायण पर्यावरणविद को, और 2018 का वंदना सिवा को मिला है पर्यावरणविद हैं। ठीक है, वंदना सिवा। फिर करते हैं सम्राट विक्रमादित्य संगीत अलंकरण पुरस्कार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस पुरस्कार के अंतर्गत 1,00,000 रुपये की नगद धनराशि प्रदान की जाती है। आपको बता दें 2013 का पुरस्कार मिला है अलका याग्निक को और 2014-15 का मिला है अबजी भट्टाचार्य को। फिर है जननायक टंड्या भील पुरस्कार। इस पुरस्कार के अंत में 1,00,000 रुपये की नगद धनराशि और सर्वश्रेष्ठ आदिवासी खिलाड़ी को प्रदान की जाती है। 2008 में यह पुरस्कार श्री राजा राम मौर देवास को प्रदान किया गया था। फिर है रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान। यह पुरस्कार महिला रचनात्मकता और उनके प्रशासकीय नेतृत्व को प्रोत्साहन देने हेतु किया जाता है प्रदान। इस पुरस्कार के अंतर्गत 2,00,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। सर्वप्रथम 2008 में श्रीमती रोज केरकिट्टा झारखंड को यह दिया गया था। वर्ष 2009 में श्रीमती भूरीबाई झाबुआ को और श्रीमती दुर्गाबाई डिंडोरी को संयुक्त रूप से रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था। फिर शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह पुरस्कार। आदिवासी कला सृजन के लिए इस पुरस्कार के अंतर्गत 2,00,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। 2008 में किन काम नोंग किन रिंग मेघालय को दिया गया था और 2009 का श्री जेब्या सोमा महाराष्ट्र के थे, माए महाराष्ट्र, और डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा ये उड़ीसा के थे। ठीक है, आगे बात करते हैं ठक्कर बापा पुरस्कार। इस पुरस्कार के अंतर्गत आदिवासी समाज में सेवा के लिए 2,00,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2008 में स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन केरल को दिया गया और 2009 का पनबंधु परिषद कोलकाता को दिया गया। ठीक है, महावीर अहिंसा पुरस्कार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भगवान महावीर के अहिंसा और शाकाहार के सिद्धांत पर समाज में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार विदेश देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति या संस्था को प्रदान किया जाता है। फिर है संत रविदास स्मृति पुरस्कार। मध्य प्रदेश में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलित वर्गों के उत्थान के हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाली व्यक्ति या स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2005 से इस प्रादेशिक पुरस्कार की स्थापना की गई। इस पुरस्कार के अंतर्गत नगद धनराशि प्रशस्ति पत्रिका साल तथा श्रीफल देकर सम्मानित किया जाता है। फिर है डॉक्टर राधा कृष्णन सम्मान। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को अर्थात शिक्षक दिवस पर, याद रखना है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर किस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के हेतु शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। फिर है पर्यटन पुरस्कार, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2019। 27 सितंबर 2019 को मध्य प्रदेश को पर्यटन श्रेणी में किए गए विभिन्न कार्यों के लिए 10 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिए गए। ठीक, फिर हम पुरस्कार विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। 18 अगस्त 2018 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 5 लाख रुपए की 3 पुरस्कार उदयमान कवि पत्रकारिता सुशासन के क्षेत्र में प्रदान करने की घोषणा की गई है। अगली है, मध्य प्रदेश में की हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया। इसमें लिटरेचर और एजुकेशन के लिए डॉक्टर किशोर राव पुसलगांवकर व भोपाल की मालती जोशी, ए आर्ट एंड पेंटिंग के लिए डिंडोरी के भज्जू श्याम को आर्ट में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए तथा बाबा योगेंद्र को पद्मश्री दिया गया। ठीक है, अप्रैल 2017 में मध्य प्रदेश को लगातार 5वीं बार भारत सरकार का प्रतिष्ठित कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2015-16 के लिए यह पुरस्कार गेहूं उत्पादन की श्रेणी में मिला था। प्रदेश को टॉफी प्रशस्ति पद और 2 करोड़ रुपये नगद पुरस्कार मिलेगा। अगला है, नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 2019 में एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड प्रदान किया गया। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब संत रविदास स्मृति पुरस्कार का नाम संत रविदास कर्मणा स्मृति पुरस्कार और श्री विष्णु कुमार पुरस्कार का नाम श्री विष्णु कुमार स्मृति पुरस्कार कर दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 24 जनवरी 2019 को केंद्रीय महिला और बाल विकास द्वारा मध्य प्रदेश को पुरस्कृत किया गया। अगला है, नानाजी देशमुख चंडिका दास अमृतराव देवमुख 8 अगस्त 2019 को भारत रत्न मरणोपरांत प्रदान किया गया इन्हें, नानाजी देशमुख को। वर्ष 2005 में सतना में चित्रकूट ग्रामोदर विकल्प, वर्ष 1991 में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक, तो ये थे हमारे पुरस्कार और सम्मान मध्य प्रदेश के। ठीक है, अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग मध्य प्रदेश के जनवरी से लगाकर दिसंबर तक करंट अफेयर। ठीक है, तो इसमें जो सम्मान अभी तक अपडेट हुए थे 2019 तक उन सबको देख लिया हम। ठीक है।